सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, तो यार बात तो आप सभी जानते हैं कि जो लुक्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे में यार हम देख चुके हैं नॉच, नॉच के अलावा भैया पता नहीं तरह तरह के डिजाइन। तो यहाँ पर दोस्तों 2019 में कैसे हम करने वाले हैं स्क्रीन को बेजललेस, थोड़ा सा आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं, मतलब एक आइडियल फोन मतलब जो सबसे अच्छा दिखे वो तो वही होगा जहां पे भैया सामने की तरफ हमको मिल जाए कंप्लीट एकदम स्क्रीन का स्क्रीन, जहां पे कोई भी बेजल्स वगैरह ना हो, मतलब दिखने में काफी अच्छा लगे। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो यार आपको ऐसा कुछ ना हो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, एक छोटा सा नॉच कट गया है या पता नहीं दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है, आपको लगे कि यार यहाँ पे आप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं इस ग्लास स्लैब को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात भी आप जानते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अब जो अंदर है उनकी बात अलग है, लेकिन दोस्तों जिनका सामने की तरफ होना जरूरी है, दोस्तों हो गया यहाँ पे कैमरा, ईयरपीस और बाकी सेंसर्स वगैरह, तो इन्हीं की वजह से जो है वो हम मतलब कंप्लीट बेजललेस फोन्स आज तक भी नहीं बना पाए हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ जो है वो तो कंसर्न रहता है, फिर चाहे वो नीचे छोटी सी चिन हो या दोस्तों ऊपर की तरफ हो नॉच। अब यहाँ पे दोस्तों नॉच की शुरुआत जो है वो तो एप्पल जो कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे भैया सामने की तरफ कुछ तो लगाना है तो जगह दोस्तों चाहिए, तो ऊपर जो है स्क्रीन में कटआउट निकल गया। उसके बाद में नॉच मिली हमको तरह तरह की, मतलब छोटी नॉच, बड़ी नॉच, चौड़ी नॉच, टेढ़ी नॉच, शेप नॉच, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी वो दिखने में दोस्तों इतना अच्छा नहीं लग रहा था डिजाइन। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वीवो नेक्स या फिर ओप्पो फाइंड एक्स की, तो यार वो लेके आते हैं अपने साथ में एक नया मैकेनिज्म जो कि है दोस्तों एक स्लाइडर बेस्ड सिस्टम, जहां पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा और दोस्तों एसेंशियल चीजें हैं वो भैया स्लाइड करके बाहर निकल जाती हैं जब आपको उनकी जरूरत पड़े, अदरवाइज आपको सामने जो है वो बिना किसी नॉच के स्क्रीन मिलता है काफी अच्छा। लेकिन इसमें भी ये दोस्तों कंप्लीट फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब नीचे की तरफ को जो हल्की सी चिन्ह है वो तो मिल ही रही है। इस हमने सबसे अच्छा काम किया आईफोन ने, जहां पर दोस्तों स्क्रीन जो है फोल्ड हो जाता है नीचे की तरफ से ताकि आपको नीचे की तरफ चेन ना मिले, लेकिन फिर भी चलो हमने मोटराइज सिस्टम दोस्तों ट्राई कर लिया। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, निकल के आते हैं हमारे पास में स्लाइडर वाले फोन, जहां पर दोस्तों बात करते हैं चाहे ऑनर मैजिक 2 की या फिर दोस्तों बात करते हैं शाओमी के मी मिक्स 3 की या फिर दोस्तों बात करते हैं लेनोवो के Z5 Pro की, तो यहां पर दोस्तों जो स्लाइडर वाला सिस्टम है ना, ये मतलब हमने पता नहीं कितने 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 साल पहले यूज किया है, मतलब इतना दोस्तों रिलायबल नहीं लगता है कि यार कहीं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बोलते हैं कि 2 लाख 3 लाख बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन यार फिर भी अगर आप स्लाइड करें और ऐसे में अगर फोन जो है वो स्लाइड हुआ हुआ बाहर की तरफ हाथ से गिर जाए तो यार टूट सकता है, वो अलग हो सकता है, डैमेज हो सकता है, फोन जो है दोस्तों वो थोड़ा सा थिक भी बन जाता है और ऐसे में मतलब इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको नॉच से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो स्लाइडर है वो मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बस ठीक है शोकेस करने के लिए कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है, ये हम दोस्तों कुछ फोन में चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नुबिया एक्स और साथ में वीवो नेक्स ड्यूअल डिस्प्ले वाले फोन्स की, जहां पे स्क्रीन एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया फोन के पीछे की तरफ कि ताकि अगर आपको यूज करना हो फ्रंट फेसिंग कैमरा तो आप फोन को उल्टी तरफ से यूज करेंगे तो आप बड़े आराम से उसी कैमरा को एक सेल्फी कैमरा की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब सामने की तरफ कुछ कैमरा है ही नहीं और आपको मिलता है पूरा का पूरा डिस्प्ले। लेकिन अगेन दोस्तों यहां पे फिर भी आप देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ वो चेन वगैरह तो मिल ही रही है, तो मतलब इतना मजा नहीं आ रहा है। उसके अंदर दोस्तों यहां पे बैटरी कंजम्पशन जो है वो भी एक अलग बात है, फिर दो स्क्रीन आगे और पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, और ये भी मेरे ख्याल से एज अ कॉन्सेप्ट दिखाने को ठीक है, लेकिन शायद हम ज्यादा ऐसे फोन्स ना देख पाए 2019 में। लेकिन यहां पे दोस्तों जो फोन्स हम देखने वाले हैं मेरे ख्याल से वो होंगे फोन्स जैसे उसने हमें सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी A8s, हुआवे दोस्तों लॉन्च किया है यहां पे Nova 4, तो ये जो फोन्स है इनमें आपको मिलता है सामने की तरफ फ्रंट फेसिंग कैमरा और यहां पे दोस्तों बस ये छोटा सा मतलब छेद सा है उसी अंदर दोस्तों जो कैमरा है वो मिलता है आपको डिस्प्ले में लगा हुआ कहीं कोने में या कहीं बीच में या कहीं और। और यहां पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 जो कि अगले साल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से दोस्तों कंप्लीट मार्केट के लिए भी, तो उसके भी जो लीक्स वगैरह आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि यहां पर मतलब आपको जो स्क्रीन के बीच में दोस्तों थोड़ा छेद सा मिलेगा जहां पर लगा होगा फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो मेरे ख्याल से ये जो अप्रोच है ये अप्रोच शायद दोस्तों हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी 2019 में, जहां पर नॉचेस जो है अभी बहुत हो गया ना, मतलब वो छोटी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं तरह तरह की नॉचेस, अभी
इसके अलावा दोस्तों हमको अगर चाहिए फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस तो फिर चाहे बात करते हैं स्लाइडर की, चाहे दोस्तों कोई मूविंग पार्ट हो, चाहे ड्यूअल डिस्प्ले हो, इन सब चीजों से बेहतर मुझे जो दोस्तों लगता है पर्सनल एक इंप्लीमेंटेशन वो है यही छोटे से होल का। और आगे चले दोस्तों खैर हम स्क्रीन के पीछे कैमरा लगा लेंगे बिना किसी होल के, तो वो दिन भी खैर आएंगे कभी 2-3 साल बाद। फिलहाल दोस्तों मेरे ख्याल से ये है मेरी तरफ से एक प्रिडिक्शन टाइप से कि 2019 में हमको मेजोरिटी जो मिलेंगे दोस्तों स्मार्टफोन्स जो होंगे फ्लैगशिप वाले उसमें ऐसा ही एक डिस्प्ले होल शायद हमको देखने को मिल जाए कैमरा के लिए। और उसके बाद में बाकी जो चीज़ें हैं ईयरपीस तो मतलब छोटा सा दोस्तों वो तो आ जाएगा ऊपर की तरफ में, वो तो मालूम चलता नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों बाकी चीज़ें हैं जो बाकी सेंसर्स हैं वो हम स्क्रीन के नीचे भी लगा सकते हैं, तो ऑल इन ऑल आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ आपने होल कर दिया कैमरा के लिए और बाकी जो फोन है वो बन गया कंप्लीट बेजललेस। मेरा ये मानना है दोस्तों ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि आपको अगर चॉइस दिया जाए, अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि भैया ऑटोमेटिक स्लाइडर, मैनुअल स्लाइडर, ड्यूअल डिस्प्ले या नॉच या छोटी नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच या जो भी है, आप ऐसे में किसको दोस्तों चूज करेंगे मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और ऐसे में आगे चल दोस्तों दिन तो ऐसे आने वाले हैं जहां पे भैया जो फोन है वो एक ग्लास स्लैब की तरह बनेगा, मतलब स्क्रीन सामने भी है, बेजल्स में भी है, एजेस पे भी है, पीछे भी है, पता नहीं क्या क्या। खैर वो दिन जब आएगा तब की तब दिखेंगे दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।